हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकता होम फूड्स। फ्रेंड्स, एकता होम फूड्स में आज मैं आपको व्रत में खाई जाने वाली खट्टी चटनी धनिया की बनाना बताने जा रही हूँ। इसके लिए देखिए क्या करना है। ये हमने धनिया ली है और इसमें थोड़े मैंने ये पुदीना के पत्ते भी लिए हैं। इनको अच्छे से साफ कर लिया है। मिर्च अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और ये मैंने अदरक ली है, करीब 2 इंच हमने अदरक ली है। इसको हमने सबको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन सबको फ्रेंड्स हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब फ्रेंड देखिए, हमको इसमें ये हमने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। अब फ्रेंड इसको हमको मिक्सी में बारीक पीस लेना है। फ्रेंड ये देखिए, हमने इसको बारीक पीस लिया है। अब हम इसको एक कटोरी में खाली कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये खाली कर लिया है कटोरी में। फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी व्रत में खाने वाली खट्टी चटनी बन के तैयार है। फ्रेंड्स, आप व्रत में इसको साबूदाने की पकौड़ी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।